उषा पटेल। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में, तो आप इस बार किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहती हैं? मोदी सरकार को। मोदी सरकार क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं इसलिए। अच्छा, क्या कुछ किया है, किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है जिनको देखकर आप मोदी जी की सरकार लाना चाहती हैं? अभी तो महतारी मानधन योजना में 1,000 रुपये मिल रहे हैं, और एक विश्वकर्मा योजना है जिसमें 15,000 टूल किट डालेंगे, और जैसे ट्रेनिंग जाएंगे महासमुंद उसमें 500 का भत्ता देंगे रोजी। अच्छा, इसके अलावा जो है कांग्रेस अभी महिलाओं को 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का वादा भी कर रही है, क्या उसकी योजना पे आपको उतना भरोसा नहीं है? है। तो उसके बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी ही विश्वास के लायक है। परमानंद राव। अभी लोकसभा चुनाव है, क्या लगते कौन लगा वोट दो काकर सरकार बनाना चाहते? कमल फूल खिलाना है। कमल फूल का पर है? कमल फूल का पर या कमल फूल खिलाओगा काबर आना खिलाओ? कुछ मुद्दा का मुद्दा अच्छा लगा थे कि नरेंद्र मोदी काम नहीं नरेंद्र मोदी के चलते? अच्छा, का क्वालिटी देखा था? क्वालिटी शुरू ले आखिर 2,000 मिला थे अभी तो। अच्छा। रहते तक अभी कांग्रेस भी जो है महिला मन 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष दे के वादा कर रहे थे, उन्हें भरोसा नहीं दिखाते? भरोसा तो नहीं दिखाते अभी। और गोविंद राव, तुमन का कौन ला वोट देना चाहते? कमल ला देगा वोट। अच्छा, का बात भैया, हम सब चीज ला कर रहे थे पर तो ओला छोड़ के दूसरा ला छोड़ दे वोट जी। अच्छा, मतलब मोदी लहर चला थे यहाँ? हाँ। आप मन के क्या नाम है भैया? जयनंद चौहान। तुमन क्या चाहते, काकर सरकार बने? मोदी सरकार। मोदी सरकार का बर कहाँ के भैया बता देना? बोरेगांव बरम किला। बरम किला जिला सारंगढ़। अच्छा, कौन सा लोकसभा में आते हैं? रायगढ़ लोकसभा। रायगढ़ कौन खड़े है अभी प्रत्याशी? राधे श्याम राठिया। अच्छा, तो ओला वोट दो भाजपा ले? हाँ। काबर काबर आवाज दूधी ठमीले है जी, महिला मन 1,000 पावत हैं, हर चीज़ तो हम चावल भी राशन भी बीजेपी सरकार दे है, हर चीज़ ला तो दे थे, तो ओकर नाम से वाला वोट देवो कहा था। दामोदर काकर सरकार बनाते हैं? बना था ना इतना दबोगा फुल छापला। फुल छापला का बात है? अब सर पैसा कौड़ी दे थे महिला मल्ला योजना के लाभ मिले थे सर? हाँ।